बाबा जी आपको बहुत टाइम मिलेगा जहाँ पूरे नाइनडीप कैंप में आपको वो सब बंदों से मिलने का मौका दिया जाएगा बाबा जी। अरे भाई भक्तों, हमने तो अपने भक्तों को मिलना था, जिन्होंने आपको इधर बुलाया पाइंडी कैंप में। जी बाबा जी, आपको इंटरव्यू के लिए पैसे दिए गए हैं इधर आने के लिए। बाबा जी सोनी टीवी वालों को बोला था अभी 100-200 रुपए दे देंगे बाबा जी को। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है नाइन डिप कैंप में। धन्यवाद। तो बाबा जी के बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं जो के बाबा जी इंडिया के जो गुरु है, जिसने पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में योग का नाम लिया है, पूरा मतलब सिखाया है दुनिया को भी योग कैसे क्या होता है और कैसे योग से हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ बाबा जी आपको। पतंजलि का बाबा जी आटा आ गया है, पतंजलि का शैम्पू आ गया है, पतंजलि का दही दूध, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट बाबा जी आ गए हैं। अभी हमारे जो फौजी भाई बैठे हैं, जे जानना चाहते हैं अभी कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है बाबा जी आपका। अरे ये पूछने वाली बात है, अभी के लिए लेके आ रहा हूँ मैं नया कुछ। क्या लेके आ रहे हो बाबा जी, हमारे फौजी में जानना चाहते हैं पूरे। अरे सभी उतावले हैं लगता, जब चुप बैठ गया मेरे को लगता सुनना चाहेगा। हाँ हाँ बाबा जी जरूर सब सुनना चाहते हैं। अरे वो प्रोडक्ट है पतंजलि का। बाबा जी एक साथ आपका जो किस्सा हुआ था बस वाला, वो हमारे जानना चाहते हैं फौजी भाई भी, क्या हुआ था वो। अरे बाबा जी के बेल कर रहे हो। नहीं नहीं बाबा जी, वो तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पे भी चला था कि बाबा जी के साथ ऐसा हुआ था। नहीं नहीं बाबा जी, हम पूरी आपकी सपोर्ट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। बाबा जी बताओ क्या हुआ था उस टाइम बस में। अरे वो बस में क्या हुआ था, हम तो डरे गाँव के देहाती लोग लुंगी पहनने वाले, ठीक है। तो हमें क्या हुआ था, हम ऐसे ही शहर गए थे अपने। हाँ जी बाबा जी। तो शहर से जब लौटे तो धूप बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, गर्मी इतनी बुरे हाल था हमारा। तो बाबा जी आपको भी गर्मी लगती है। क्यों बाबा, गंदा नहीं है क्या, कपड़े कपड़े तो नहीं पहनते ना आप। अरे ये दलीला कपड़ा नहीं पहनता तो यार बाबा बंदा नहीं है क्या, जोर से ताड़ियां मारते यार। नहीं नहीं बाबा जी, हाँ बस में तो आप बैठे थे उस टाइम, मतलब कि क्या हादसा बापरा था जो। अरे हादसा तो ये हुआ था, जब हम शहर से वापिस आए तो हम चढ़ गए बस में अपनी गाँव वाली के। हाँ वो मिनी बस चलती है जो गाँव में। हाँ गाँव में तो ऐसे ही चलता, आपको पता ही है। हाँ जी हाँ जी बाबा जी। तो मेरे को जब जैसे मैं चढ़ा तो भीड़ बहुत थी भाई बस में, तो मैंने इधर उधर देखा कहीं सीट ना मिला, ठीक है। मैं फिर देखा एक लेडीज बैठी थी ऐसे,
जी बाबा जी। तो उसने क्या किया, उसको गर्मी बहुत लग रही थी भाई, गर्मी तो सभी को लगती है, गर्मी का टाइम था ना बाबा जी, सब आप जैसे थोड़ी हैं। जी जी, उसको ना प्यार की प्यास लगी, तो मेरे को तरकीब भाई, वो पानी पीने के बहाने नीचे उतरी और आप सीट पे बैठ गए। नहीं नहीं, वो सीट पे अपना रुमाल रख के चली गई। चलो बाबा जी, सीट के साथ साथ रुमाल भी मिल गया आपको। नहीं नहीं भाई, तो रुमाल कहाँ से मिला, वो तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि वो गांव के देहाती लोग हैं, तो फिर मेरा भी दिमाग काम कर गया, तो इतने प्रोडक्ट जो बना दिए है बाबा जी, आपके दिमाग को तो दाव देनी पड़ेगी, वहाँ पे आपने क्या दिमाग लगाया। अरे वहां से मैंने रुमाल हटाया, वहाँ आप बैठ गए आके, वो फिर वो लेडीज नहीं बोली बाबा जी मेरे कहाँ बैठ गए। अरे जब लेडीज आई वहां पर, तो मेरे को आगे बोलने लगी, अरे बाबा जी ये सीट तो मेरी थी। और बाबा जी फिर आप उठ गए। अरे कहाँ उठना था, हम गांव के देहाती लोग हैं, हमको क्या पता कैसे उठना कैसे नहीं उठना यार। यार ये तो पता ही होगा बाबा जी, इतने भी देहाती मत भरो, आप पैसे तो ही लाइन मार रहे थे उसको। अरे रम 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 भाई, ये काम नहीं, ये काम नहीं। अच्छा, वो जैसे आकर मेरे को बोली, बाबा ये सीट तो मेरी थी। मैंने बोला क्यों भाई, ये आपकी क्यों सीट थी। तो बोलने लगी, बाबा जी इधर सीट में मैं ना अपना रुमाल रख के गई थी, तो ये सीट मेरी है। हाँ वो तो सही बात है बाबा जी, उसने अपना मतलब के रुमाल रख के गई थी वहाँ पे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, फिर मैंने भी अपना दिमाग लगा दिया भाई, मैंने तो बैठना था। हाँ क्या दिमाग लगाया बाबा जी अपने। अरे भाई वहाँ पर मैंने लुंगी पहन रखा था ना। हाँ बाबा जी लुंगी तो पहनते ही हुआ। हाँ तो फिर मैंने भी लेडीज को बोल दिया, मैं बोला अरे बच्चों ये बताओ पहले तो, आपका ये रुमाल रखने से ये सीट आपकी होगी, ठीक है। अगर मैं एक बात बोलूं, बोले बोलो बाबा जी। मैंने बोला अगर ये मैं लूंगी आपकी अम्मा के ऊपर रख दूं, वो क्या मेरी हो जाएगी। जोरदार तालियां बाबा जी के लिए। बाबा जी बहुत ज्यादा कॉमेडी है ना, जो के साथ साथ जो हम सबको एंटरटेन करते हैं। बाबा जी के साथ किस्से बहुत हुए हैं, जो एक बाबा जी आपके साथ हुआ था लॉस एंजलिस में हुआ था एक। अरे कपूर रहने दे, क्यों यार अभी सभी के साथ। बाबा जी हमारे ये फौजी भाई जानना चाहते हैं। नहीं नहीं कपूर रहने दे यार। नहीं 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 बाबा जी जानना चाहते हैं, ऐसे माहौल भी रंगीन हो जाएगा थोड़े यार किसी के साथ। कपूर तो मेरे को लगता है अभी मेरा प्रोडक्ट इधर आने नहीं देगा फाइन कैंटीन में। नहीं नहीं बाबा जी, आपके हर शो में हम आपके प्रोडक्ट का पब्लिश करेंगे पूरा। ठीक है तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हमको कोई बुलाता रहता है शिविर के लिए, तो वैसे ही मैंने अब इंडिया में तो बहुत हो गए थे कैंप मेरे। हाँ हाँ बाबा जी, आप बाबा जी तो बाहर अभी जाते हैं ना पूरे वर्ल्ड में। हाँ तो उधर भी मैं चला गया, ठीक है, उधर जाके मैंने ऐसे कैंप लगा के अभी बाहर ही गया था। हाँ जी बाबा जी, तो एक लेडीज बाहर की आई मेरे साथ, बोली प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी है मेरे बाप ने, प्रणाम सब कर लिया होगा। हाँ प्रणाम कर दिया मैंने, मैंने बोला फिर वो बोली, बाबा जी मैं ना आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। लो बाबा जी की लॉटरी लागी, जहाँ तो ढूंढने से कुछ नहीं मिलता, बाबा जी को अपने आप मिल गया। अरे बाबा जी ले लिया आपने मेरा। अरे नहीं वो तो प्रॉपर्टी की बात कर रही थी। अच्छा तुझे यार किसी और ने कुछ देना चाहती है। हाँ फिर नहीं, लेकिन मैंने तो बोला, वो बोली प्रॉपर्टी मैं अपने आपकी जो बिलियन बिलियन में जितनी भी थी वो आपके नाम करना चाहती हूँ, आपको सब कुछ देना चाहती हूँ। अच्छा बाबा जी फिर। तो मैंने अपने उसको बोला, मैंने बोला बच्चों ये थोड़ा सा मेरे पीएस से बात कर लेना, इसको बता देना। हाँ बाबा जी आप ऐसी बात सीधी थोड़ी करते हो। हाँ तो लेकिन वो बोली, बाबा जी मैंने तो आपसे ही बात करनी है, मैं आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ बाबा जी। बोले बाबा जी मैं ना आपको अकेले में लेके बात करना चाहती हूँ। अच्छा फिर आप लेके हो गए अकेले में, ऐसा टाइम मैं छोड़ते नहीं हूँ। थोड़ा सा ऐसे हुआ पांच कदम, मैंने बोला हाँ बताओ। बोला बाबा जी मैं आपको ना अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। अच्छा फिर। अरे मैं यार थोड़ा सा चक्कर में पड़ गया भाई, ऐसा क्या मेरे को देना चाहते हो। मैंने बोला आपने मेरे पीएस को उतार दिया है, जो भी प्रॉपर्टी थी मिलियन मिलियन में जो भी था। हाँ बाबा जी फिर। लेकिन बाबा जी वो बोलने लगी, बाबा जी मैं तो अपना सब कुछ देना चाहती हूँ आपको। फिर तो बाबा जी आप समझ गए।